अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब आप सब, क्या कहते हैं? मुझे तो जानते होंगे आप सबका प्यार सा दोस्त। मेरी बैक साइड पे भी आप देख रहे होंगे कुछ कश्तियाँ खड़ी हुई हैं और उनमें से कुछ बड़ी लाच खड़ी हुई है जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो पेंटिंग का काम हुआ हुआ है। तकरीबन 60-70 लाख रुपये की ममालियत है इनकी। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, शायद आपको मेरी आवाज़ समझ में आ जाना है। आज आया हुआ हूँ मैं डाम पे। कुछ छोटी बोट्स खड़ी हुई हैं, कुछ बड़ी हैं। यहाँ के लोगों का रोज़गार ही है, मछेरे हैं सारे, माहीगीर हैं जो कि अपना गुजर बसर सब इसी पे करते हैं। 11 साल के बाद तकरीबन मैं यहाँ आज आया हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हमें मिला, अभी थोड़ी सी धूप हमें मिल रही है, बाकी बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। सफ़र में बड़ा मज़ा आया। ये यहाँ से एंट्री का रास्ता है जो बंदरगाह पे आ रहा है और सीधा ही ये बाहर जा रहा है रोड पे। ये रास्ता हम अगर पकड़ के आएंगे सीधा के सीधा, इसी रास्ते पे अगर हम आते जाएंगे तो सीधा बंदरगाह पे आएगा। ये मेरे दोस्त जो है वो बोट में बैठ चुके हैं। एक ये साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये घर से ही परेशान आए थे, इनकी परेशानी क्या है कश्ती में बैठ के हम पूछेंगे। ये हमारे प्यारे से भाई, ये कह रहे हैं कि हमें यहीं आप डोरी दे दें और हम यहीं शिकार कर लें क्योंकि आगे कुछ पता नहीं, कश्ती वाला हमें अभी तक मिल नहीं रहा। साथ ही साथ अभी आपको और विज़िट कराते हैं। कश्ती आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरती से जो उस पर पेंटिंग का काम हुआ है और ये बिल्कुल न्यू मेरे ख्याल से जो है रेडी हुए में है। अभी तक ये ज्वार में उतरे भी नहीं है, तो शायद इस सीज़न में ये चलेंगे। एक पार्टी भी जा रही है। दुकानें बनी हुई है जो कि जुम्मे की नमाज की वजह से बंद है। बाज़ार यहाँ का यही है। कुछ हम बैक साइड पर जो है बाज़ार छोड़ के आए हैं जहाँ से एंट्री का रास्ता था। बाकी फ़िश जब हम कैच करेंगे उस वक्त की वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे।